बरेली में नवाबगंज ग्राम मुझैना संतोष से पहली नज़र सामाजिक संस्था को वहां के एक युवा ने रजिस्टर्ड पत्र लिखकर एक कोटे की समस्या से अवगत कराया। संस्था अध्यक्ष एडवोकेट सुनीता गंगवार ने उस पत्र को पढ़ा, जिसको पढ़कर पता लगा कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच चुका है। इसकी पूर्ण जानकारी लेने हेतु सुनीता गंगवार ग्राम मुझैना संतोष में पहुंची। वहां तमाम ग्रामवासियों से व वहां के मौजूद प्रधान से मिली। आखिर ऐसी क्या बात थी कि जिससे संस्था को ग्राम के इंसाफ के लिए पत्र से अवगत कराना पड़ा। वहां जाकर ग्रामवासियों से पता किया, जैसा कि उस पत्र में लिखा था, कि किस तरह से वहां के कोटेदार ने फर्जीवाड़ा करके अपने कोटे को बरार रखने की कोशिश की, लोगों के फर्जी हस्ताक्षर बनाए, जिसके एवज में लोगों ने अपने बयान भी दिए। ग्रामवासियों ने लगातार कई महीनों से अपनी कार्यवाही की। नवाबगंज प्रशासन से आपूर्ति विभाग को आदेश देकर उस पर जांच भी बैठाई। पूरा ताकत का यूज कर रहे हैं और प्रशासन कहीं ना कहीं लाचार हो जाता है कार्य। लेकिन इसके लिए जब संस्था के पास ये चिट्ठी आई है तो संस्था भी जनता के लिए काम करने के लिए जानी जाती है, तो लोगों के साथ जो ये अन्याय हो रहा है, इस अन्याय के खिलाफ मैं भी अपनी कार्यवाही आगे बढ़ाऊंगी और ये सवाल मैं प्रशासन से करूंगी कि क्यों नहीं अब तक उसको यहां से हटाया गया, वो दुकान निरस्त करके गांव वालों की सहमति से दूसरे कोटेदार को क्यों नहीं नियुक्त किया गया है। और मैं सप्लाई विभाग से भी ये जानकारी करूंगी उन्होंने FIR अब तक क्यों नहीं दर्ज कराई है। बताइए, मुझे ना संतोष नवाबगंज ब्लॉक में क्या है, इसमें कोटे का बिरकन चल रहा है काफी समय से, फरवरी से चल रहा है, तो इसमें आरोप पत्र भी जारी हो चुका है कोटेदार के खिलाफ 8/4/2022 को। इसके बाद में कोटे का निलंबन किया जा चुका है 3 महीने पहले, और अब कोटेदार ने लोगों के अपने बचाव में फर्जी एफिडेविट भी पेश किए हैं, जिसका आदेश में पूर्ण रूप से दिखाया गया है और SDM साहब ने कार्रवाई भी करी है। देखते रहिए DB भारती समाचार, नजर हर खबर पर।